तो आज की यात्रा में करने वाला हूँ अपने होम टाउन वाराणसी से जम्मू तवी तक, जिस यात्रा में अनेकों चीजें होती हैं। किसी की ट्रेन छूटने वाली होती हैं और हमेशा समय पर चलने वाली ये ट्रेन इतने घंटे लेट हो जाती है, पर सब मिला के ना ये जर्नी बहुत ही मज़ेदार थी और आपको भी ये जर्नी पूरी देखनी चाहिए अगर आप मेरे साथ इस सफ़र को जीना चाहते हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, आज की अपनी यात्रा इस ट्रेन नंबर 12237 बेगमपुरा एक्सप्रेस में शुरू करते हैं। तो ये गई फरक्का एक्सप्रेस और सामने अराइवल हो रहा है छपरा दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस का। तो वाकई बहुत गर्मी है बनारस में और अराउंड टेम्परेचर जो है वो 43 डिग्री सेल्सियस का है। अगर मैं बात करूं तो वाराणसी से जम्मू तवी के बीच में अराउंड 5 ट्रेनें जो है वो चलती हैं, जिनमें से अगर बात करूं सबसे फास्टेस्ट ट्रेन की तो वो है हमारी ये बेगमपुरा एक्सप्रेस, जो कि करीब 22 घंटे 10 मिनट का वक्त लेती है अराउंड 1230 किलोमीटर की जर्नी को पूरा करने में। और वहीं बात करूं अगर और ट्रेनों की तो अर्चना एक्सप्रेस हो जाती है, हिमगिरी एक्सप्रेस हो जाती है, सियालदह जम्मू तवी हमसफर जो है वो भी चलती है इस रूट पे। तो ये सारी ट्रेनें हैं, लेकिन यहाँ से जाने वाले लोग जो है ना ये बेगमपुरा और अर्चना एक्सप्रेस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं अगर उनको जम्मू जाना हो तो, श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने हो तो ये ट्रेन जो है सबसे बेस्ट मानी जाती है बनारस से। तो 12:40 में ट्रेन का डिपार्चर है और अभी तक मैंने अपनी सीट जो वो देखी नहीं, बस आके जैसे तैसे अपना बैग जो है यहाँ पर रख दिया मैंने। तो फाइनली अपने निर्धारित समय से करीब 5 मिनट के डिले से अपना डिपार्चर वाराणसी जंक्शन से हो चुका है। और मैंने ये अक्सर देखा है कि जब भी मैं अपने होम स्टेशन से बाहर निकलता हूँ ना, बाहर जा रहा होता हूँ, तो ऐसा लगता है कि मानो बहुत कुछ पीछे छूटता हुआ जा रहा हो, थोड़ा सा बुरा ज़रूर से लगता है। और वो सामने छपरा दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस जो है उसका भी पैडल डिपार्चर हुआ था हमारे साथ। चलो डिपार्चर तो हो गया, जल्दी से अपनी सीट वो चेंज कर लेता हूँ भैया। फाइनली सीट जो अपनी चेंज कर ली मैंने, ये है सीट नंबर 13 यानी कि लोअर बर्थ जो है वो मिली है मुझे। ठीक है यार, सेकेंड एसी में लोअर बर्थ जो है वो कंफर्टेबल होती है। ये पता नहीं कौन सा स्टेशन है पर यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है कि मालदा नई दिल्ली को हम ओवरटेक कर रहे हैं। आपने देखा कि बिल्कुल हमारी ट्रेन के निकलने से कुछ समय पहले ही इस ट्रेन का डिपार्चर हुआ था और अभी ये ट्रेन यहाँ पे खड़ी है। कब से खड़ी है भैया यहाँ पे, कब से खड़ी है? 15-20 मिनट से खड़ी। हाँ, इसको छोड़ेंगे ना बेगमपुरा को। तो एज़ एक्सपेक्टेड पहले हमारी ट्रेन को ही यहाँ से निकाला जा रहा है और फाइनली अब हक से बोल सकते हैं कि मालदा नई दिल्ली को यहाँ पे हम ओवरटेक कर रहे हैं। अच्छा, वैसे तो पहुँचने वाले हैं जौनपुर, लेकिन उससे पहले हमारी ट्रेन जो है वो जाफराबाद को स्किप करने वाली है और जाफराबाद एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। इसके पीछे कोई तो ट्रेन खड़ी है, ट्रेन का नाम जो है ओ, तो ये छपरा लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस है, इसको ओवरटेक कर रहे हैं अभी हम। तो जाफराबाद एक जंक्शन रेलवे स्टेशन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है ना वो निकल जाती है जौनपुर सिटी की तरफ, जो कि आगे सुल्तानपुर मुरादाबाद की तरफ निकल जाती है और जिस लाइन पर हम जा रहे हैं अभी। और एक लाइन जो है अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, और एक लाइन अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो जो लाइन अलग हो रही है ना, ये गुड्स ट्रेन गुजर जाए पहले आपको दिखाता हूँ, तो वो जो ट्रैक आप देख रहे हो ये ट्रैक निकल जाता है जौनपुर जंक्शन की तरफ, जो कि आगे अयोध्या होते हुए बाराबंकी होते हुए लखनऊ पहुँचती है लाइन। तो इसलिए जाफराबाद एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और एक और पीछे की तरफ से लाइन आती है प्रयागराज से, तो इससे ये सब लाइनें जो है वो यहाँ के मिलती हैं और इसीलिए जाफराबाद एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। ये
ध्यान नहीं दिया मैंने कि प्लेटफॉर्म जो है वो इस तरफ आ गया था। फाइनली पहुंच चुके हैं जौनपुर। वैसे तो जितने भी शहर होते हैं उनके नाम के पीछे कुछ ना कुछ कारण ज़रूर से होता है, और अगर मैं बात करूं जौनपुर की तो जो दिल्ली के सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक, अगर आपने नाम सुना हो तो फिरोज शाह तुगलक के जो कज़िन थे यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, उनका नाम जौना खान था, और इसी के उन्हीं के नाम पर ना इसका नाम जौनपुर जो है वो रखा गया। तो इतिहास के पन्नों में ये कुछ मिलता है अगर मैं जौनपुर के नाम के बारे में बात करूँ। ये देखो कुछ इस तरीके से इसको थोड़ा पुश करने के बाद बैठना पड़ता है और थोड़ी दूर तक ही चलता है। बहुत ही चैलेंजिंग है ये, गर्मी में तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है ये। अच्छा एक और चीज़, क्या आपको पता है कि जौनपुर में एक गांव है माधोपट्टी के नाम से, और कहते हैं कि उस गांव के हर एक घर में ना कोई ऑफिसर है, मतलब कोई ना कोई सिविल सर्वेंट है, और इसीलिए उसको ऑफिसर्स का गांव जो है वो बोला जाता है। तो अगर जो लोग जौनपुर से हो तो ज़रूर से मुझे बारे में बताना, बाकी मैंने भी बहुत बार टीवी में सुना है इसके बारे में। तो पीछे जनरल वाली कोच में सीट नहीं मिली तो लोग आगे दौड़ करके जा रहे हैं बैठने के लिए, और ये देखो अब जहाँ, अरे मैं भूल गया मेरे को भी चढ़ना था भैया। और जौनपुर से निकले बस कुछ ही देर हुआ होता है कि हमारी ट्रेन पहुंच जाती है सुल्तानपुर जंक्शन। वाकई मेन चीज़ तो है कि ये मई जून के महीने में ना ऐसे ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा मतलब रिस्की होता है। तो वैसे ये हमारा टेक्निकली जो है वो तीसरा हॉल्ट है, और मैं आपको ये सारे जो हॉल्ट है वो दिखा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर मैं इन स्टेशन को कवर नहीं करता, तो सोचा कि चलो जो लोग भी यहाँ के हो कम से कम उनको हाई वाले बोल दूँ और सुल्तानपुर जो है वो दिखा दूँ। और बात करें सुल्तानपुर की ना, तो सुल्तानपुर एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकल जाती है प्रतापगढ़ की तरफ, और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है अयोध्या कैंट जंक्शन की तरफ। तो इसीलिए सुल्तानपुर जो है वो एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और अगर मैं सीधा निकल जाता हूँ जिधर हमारी ट्रेन जा रही है तो हम पहुँच जाएँगे मुरादाबाद, और इसीलिए सुल्तानपुर जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और कितने लोग को पता है कि सुल्तानपुर का जो पौराणिक नाम था, पुराना नाम था, वो भगवान श्री राम के जो पुत्र थे कुश, उनके नाम पे रखा गया था कुश भगवानपुर। फिर बाद में जब मुस्लिम शासक आए तो उन्होंने इसका नाम जो है वो सुल्तानपुर जो है वो कर दिया था। तो अगर हम उस रूट से जाते ना तो गोमती रिवर में मिलती और साथ ही साथ अयोध्या कैंट जाते हम, लेकिन हमारी ट्रेन जो है वो अब निकल चुकी है मुरादाबाद की तरफ, और गोमती नदी बिल्कुल हमारे पैडल में चलने वाली है। और यहाँ पे हमारे को पैसेंजर्स ये बात कर रहे हैं कि सामने वाली ट्रेन जो कि गाजीपुर सिटी से कटरा के बीच में चलती है उनमें इन मोहतरमा की टिकट थी और वो उस ट्रेन को छोड़ करके इसमें बैठ चुकी थी, तो अब उनको इस ट्रेन में वापस बिठाने की बात जो है वो चल रही थी। तो अब ये एक थोड़ी सी दिक्कत की बात थी यहाँ पे। तो ये तय होता है कि जब ट्रेन लखनऊ में रुकेगी तो उसी वक्त ये मोहतरमा जो है अपनी इस ट्रेन में शिफ्ट हो जाएंगी। तो सुल्तानपुर से निकलने के बाद ना एक पावर नैप जो है वो ले लिया मैंने, नींद आ गई हल्की सी मुझे, और अभी हमारी ट्रेन जो है वो 24 स्टेशन पे खड़ी है, लखनऊ से बहुत दूर तो नहीं है। बाकी हाँ एक अपडेट ये है कि जो मैडम अंदर बैठी थी उनकी गाजीपुर कटरा में टिकट थी और वो ट्रेन छूट गई उनसे, अब पता नहीं कैसे छूटी और वो इसमें बैठ गई। अब दिक्कत की बात ये है कि हमने उसे ओवरटेक तो कर लिया था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस ट्रेन का लखनऊ में अराइवल हमसे पहले है और ऑब्वियसली उसका डिपार्चर भी हमसे पहले है। तो बस अब ये ना हो कि उनकी ट्रेन जो है वो छूट जाए, तो शायद से हमारी ट्रेन को बहुत देर से यहाँ पे रोका गया है, अब पता नहीं किस कारण से यहाँ पे रोका गया है। बस ऐसा ना हो कि गाजीपुर कटरा को आगे निकालें और फिर सारी उम्मीदों जो है वो कहीं ख़त्म ना हो जाए। चलो फाइनली अपने यहाँ से डिपार्चर हो गया, कोई ओवरटेक जो है वो नहीं हुआ।
अच्छा एक चीज़ मैंने नोटिस की अभी कि अभी तक कोई खाने पीने के लिए कुछ पूछने नहीं आया। हाँ मतलब स्नैक्स वाले आइटम तो मिल रहा है, मतलब पैक्ड आइटम जो है वो तो मिल रहा है, पर प्रॉपर खाने का ऑर्डर लेने कोई नहीं आया अभी तक। तो मैंने सेफ रहने के लिए लखनऊ में अपना डिनर जो है वो ऑर्डर कर लिया है। बाकी अगर ट्रेन में कुछ मिलता है तो मैं ज़रूर से ट्राई करूँगा और आपको बताऊँगा कि इस ट्रेन का खाना जो है वो कैसा है। चलो अब धीरे धीरे मौसम जो है वो सही हो रहा है और अब गेट पे खड़े रहने का मज़ा आ रहा है। और लिटरली जब शाम होती है ना तब जाके ट्रेन सफ़र का जो है वो आनंद उसमें आता है। और आप सोच रहे होंगे इतनी देर से लखनऊ जो है पहुँचे नहीं हम, लेट हो रहा है हमें, क्योंकि ट्रेन बहुत देर से रुकी है। शायद ट्रैक पर कुछ काम चल रहा था तो ट्रेन बार बार रुक जा रही है, जिस कारण से पहले हम बिफोर टाइम चल रहे थे और अब हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट की देरी से लखनऊ पहुंचेगी शायद। और जब जब ट्रेन हमारी किसी स्टेशन पर रुक रही थी ना तो सारे पैसेंजर यही सोच रहे थे कि कहीं पीछे वाली ट्रेन यानी गाज़ीपुर कटरा ट्रेन जो है वो ओवरटेक ना कर ले हमारी ट्रेन को। पर फाइनली अपनी ट्रेन का अराइवल लखनऊ में पहले हो रहा था। तो फाइनली इस खूबसूरत शाम के बीच पहुंच चुके हैं नवाबों के शहर लखनऊ में। वैसे यहां पहुंचने का जो सही समय था वो था शाम के 5:35 का, पर ट्रेन यहां पे ऑलमोस्ट 40 मिनट की देरी से पहुंची है। पर कम से कम चलो ये अच्छा हुआ कि शाम ढल गई और शाम होते होते लखनऊ जो है पहुँच गए। अरे मैं बातों बातों में तो भूल ही गया था कि मैंने खाने का ऑर्डर दिया था। आपको सीट पर रख देना चाहिए ना, पेट था ये तो ना। और फाइनली गाजीपुर सिटी कटरा एक्सप्रेस का यहाँ पे अराइवल हो जाता है और मैडम की ट्रेन जो है उनको मिल जाती है। ये आ गई गाजीपुर कटरा और मैडम वहाँ बैठी हुई है, जो होश कवर नहीं है कि उनकी ट्रेन जो है वो आ चुकी है। आपकी वो ट्रेन शायद आ गई क्या, ये वाली है। चलो भाई फाइनली इनको इनकी ट्रेन जो है वो मिल गई और हमारी ट्रेन भी खड़ी है काफ़ी देर से यहाँ पे, अभी तक निकलने का संकेत तो हो जाना चाहिए था। नहीं नहीं B5 इसमें मतलब दिखा नहीं मेरे को भी, ठीक है या कुछ और होगा देख लीजिए एक बार आप कंफर्म करके। ME1 करके एक्स्ट्रा कोच लगा हुआ है, शायद वो होगा। 64 नंबर है ना, क्या बोले कौन सा बोले, M1। भाई 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 देखो भाई, M1 कोच लगा दिया इन्होंने 3rd AC की जगह पे और यहाँ पे B5 लिखा हुआ है। तो ये गलतियाँ रेलवे करती है पता नहीं क्यों, मतलब आजकल तो मैं देख रहा हूँ। मुझे आप लोग का ओपिनियन चाहिए था कि रेलवे जो है ना वो 3rd AC इकॉनमी जो कोचेज है उसको लॉन्च की थी ताकि 3rd AC से कम प्राइस में आप उसमें ट्रैवल कर सको, लेकिन अभी हो क्या रहा है बिल्कुल सेम प्राइस आपको पे करना पड़ रहा है। तो ये बात बिल्कुल मेरे समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा रेलवे क्यों कर रही है। जब उसको लॉन्च की थी कि आप कम पैसों में उसमें ट्रैवल करोगे तो फिर जो किराया आप नॉर्मल 3rd AC में लेते हो वो आप इस इकॉनमी कोच में इकॉनमी क्लास में क्यों ले रहे हो, ये चीज़ थोड़ी सी समझ के बाहर। शाम के 6:30 का वक्त हो चुका है, फाइनली अपना डिपार्चर लखनऊ से हो चुका है। वैसे डिपार्चर देखा जाए तो सामने जो ट्रेन है ना गाजीपुर कटरा उसका पहला डिपार्चर था, लेकिन हमारी ट्रेन क्योंकि पहले जाके खड़ी थी इसलिए डिपार्चर से पहले हो रहा है और मुझे लगता है कि अब वो ट्रेन जो है वो लेट ही पहुंचने वाली है। पर हाँ एक चीज़ है कि वो ट्रेन कटरा तक जाने वाली है और हमारी ट्रेन जो है सिर्फ जम्मू तक जाने वाली है, तो हो सकता है कि मैं कटरा तक जाने के लिए उस ट्रेन का इस्तेमाल करूं जम्मू से। अच्छा लखनऊ से निकलने के बाद ना हमारी ट्रेन और लेट हो जाती है और मैं फिर थक हार करके अपना डिनर जो है वो फिनिश करता हूँ, फिर थोड़ा सा पावर नैप लेने के लिए सो जाता हूँ और ऐसे में जो शाहजहाँपुर है वो छूट जाता है। और जब सुबह नींद खुलती है ना तो
तो हमारी ट्रेन सहारनपुर पहुंच रही होती है। वैसे सहारनपुर पहुंचने का जो सही समय था वो था रात के 2:20 का, पर ट्रेन यहाँ करीब 5:30 पे पहुंचती है, अपने निर्धारित समय से 3:20 की देरी से। और वहीं कल शाहजहांपुर पहुंचने का जो सही समय था वो था रात के 8:25, पर ट्रेन हमारी करीब 10:30 पहुंची, और उसके बाद मुरादाबाद पहुंचते पहुंचते ट्रेन करीब 2.5 लेट हुई और 2:00 करीब मुरादाबाद जंक्शन पर ट्रेन का अराइवल हुआ था। अच्छा, बात करूं सहारनपुर जंक्शन की, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और ये जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से मेरठ सिटी और जिस तरफ से हम आ रहे हैं यानी कि मुरादाबाद की तरफ लाइनें जो हैं वो आके मिलती हैं, और एक और लाइन टापरी जंक्शन से निकल जाती है दिल्ली शाहदरा की तरफ, तो इसीलिए सहारनपुर एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। अब तो जो छूट गया वो छूट गया, लेकिन आप इस खूबसूरत सनराइज का लुत्फ उठाइए। और यमुना नदी को क्रॉस करने के तुरंत बाद हमारी ट्रेन अब उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ हरियाणा में एंटर हो जाती है। वैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे ही हमने यमुना नदी को क्रॉस किया हम हरियाणा में एंटर हो चुके थे, और बहुत ही जल्दी अराउंड 50 किलोमीटर के फासले के बाद पहुंच जाएंगे अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन। ट्रेन तो काफ़ी लेट हो गई है, मतलब चलो ठीक है, अच्छा हुआ ट्रेन लेट हो गई आपको। हाँ, बस ये चीज़ है कि मुरादाबाद और शाहजहाँपुर जो है वो मिस हो गया, वो मैं दिखा नहीं पाया। मैं बड़ी गजब की नींद आई, पता नहीं हीट स्ट्रोक जो है वो शायद मुझे लगा, और 9:30 थी सो गया मैं। उस वक्त ट्रेन भी काफ़ी लेट चल रही थी और मुझे लगा कि चलो मैं जब इतना लेट चल रही तो आराम से एक नींद कंप्लीट करके फिर मैं आराम से उठूँगा जब हमारी ट्रेन शाहजहाँपुर पहुँचेगी। लेकिन वो नींद का जोगा कुछ ऐसा था ना कि जब उठा तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। जैसे ही उठा उसके 20-25 पहले ही शाहजहाँपुर जो था वो निकला था, तो थोड़ा दुख हुआ उसको देख करके। बाकी कोई नहीं, अब यहाँ से आपको पूरा जम्मू तक का जो जर्नी है ना वो मैं आपको ऐसे दिखाने वाला हूँ, जितनी नींद थी वो पूरी हुई। सरस्वती शुगर मिल्स लिमिटेड। तो काफ़ी देर से ना गेट पे खड़ा था और सोचा चलो अब अंदर बैठते हैं, थोड़ा सा अंदर बैठ के ट्रेन की कॉफ़ी जो है वो टेस्ट करते हैं। हालांकि कॉफ़ी जो है वो सही तो नहीं है, फीकी सी है। मुझे ट्रेन का जो खाना था ना वो ट्राई करना था पर हो नहीं पाया वो, क्योंकि या तो बहुत लेट पूछा गया या तो शायद मैंने ध्यान नहीं दिया हो, मे भी हो सकता है। बट अभी देखते हैं कुछ अगर मिलता है जरूर ट्राई करूँगा मैं। तो अंबाला पहुँचते पहुँचते भी ट्रेन और लेट हो गई और फाइनली अब हमें एंट्री मिल रही है स्टेशन में। हालाँकि प्लेटफॉर्म जो है वो उस साइड आ रहा है, बट ठीक है, बहुत रश है उधर, भीड़ बहुत है, लोगों ने बैग जो है वो रखे हुए वहाँ पर। तो सुबह के 7:00 और फाइनली पहुंच चुके हैं अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन। वैसे यहां पहुंचने का जो सही समय था वो था 3:50 पे, पर ट्रेन ऑलमोस्ट यहां पे 3:10 की देरी से पहुंच रही है। अच्छा, बात करूँ अगर अंबाला की ना, तो आप सभी को पता होगा कि अंबाला जो है वो स्ट्रेटजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है हमारे इंडियन आर्मी के लिए, यहाँ पे उनका बेस भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि 1843 में ब्रिटिशर्स ने पहली बार इसे कैंटोनमेंट जो है वो बनाया था। उससे पहले जो उनका छावनी था, जो उनका कैंटोनमेंट था वो करनाल में था, लेकिन 1841 में जब इस एरिया में मलेरिया ने अपना उत्पात मचाया ना, तो इसके डर से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपनी जो छावनी है, उन्होंने जो अपना बेस है वो शिफ्ट कर लिया अंबाला में, और तब से अंबाला में ही उनका बेस था, आर्मी का बेस था। और आज के दिन भी अंबाला एक बहुत ही बड़ा बेस है हमारे इंडियन आर्मी का। अच्छा, ये बात तो ठीक है, बाकी अगर बात करें अंबाला कैंट जंक्शन की, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकल जाती है कालका की तरफ,
जहाँ से आप शिमला की तरफ जा सकते हो, और एक लाइन यहाँ से निकलती है सरहिंद होते हुए लुधियाना की तरफ जिधर हम जाने वाले हैं, बाकी एक और लाइन यहाँ से निकलती है जो कि कुरुक्षेत्र होते हुए दिल्ली की तरफ जाती है। तो ये सारी लाइनें जो है वो यहाँ के मिलती हैं, और इसीलिए अम्बाला कैंट एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और अम्बाला है और यहाँ के छोले कुलचे ट्राई ना किए फिर तो आपने कुछ किया ही नहीं, लेकिन हाँ स्टेशन के जो छोले कुलचे हैं वो आप अवॉइड करना, उतने अच्छे नहीं होते। मैंने भी बहुत बार ट्राई किया हुआ है पर वाकई में अच्छे नहीं होते, लेकिन हाँ स्टेशन के बाहर अगर आप जाओ तो आपको बहुत ही बढ़िया छोले कुलचे जो है वो मिलेंगे। तो ये है श्री शक्ति एक्सप्रेस जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेन है नई दिल्ली और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच। ये एक फुल्ली एसी ट्रेन है। और एक और चीज़ आपको पता है इस ट्रेन के बारे में, ये कि इस ट्रेन में सिर्फ आपको वेज खाना जो है ना वो आपको मिलेगा, मतलब नॉन वेज इसमें सर्व नहीं होता है। मैंने ध्यान नहीं दिया भाई कि ट्रेन चल दी अपनी, तो मैं आपसे बात कर रहा था श्री शक्ति एक्सप्रेस के बारे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेन है ये नई दिल्ली कटरा के बीच में, बहुत लोग जो कि जम्मू राजधानी या फिर जम्मू मेल को प्रेफर करते हैं वो उससे पहले मेरे ख्याल से इस ट्रेन को प्रेफर करते होंगे, क्योंकि ये गाड़ी बहुत ही तेज़ है और साथ ही साथ इसको बहुत अच्छी प्रकृति मिलती है इस रूट पे। तो मेरे ख्याल से अगर आपको चंडीगढ़ की तरफ जाना है ना तो यहाँ से लाइन जो है वो अलग हो जाती है। तो जी हाँ, ये वही लाइन है जो कि निकल जाती है चंडीगढ़ की तरफ, और मेरे ख्याल से कोई शताब्दी एक्सप्रेस जो है वो आ रही है। कालका शताब्दी एक्सप्रेस, तो ये है चंडीगढ़ कालका वाली लाइन जिसमें कालका शताब्दी एक्सप्रेस का अराइवल जो है बस होने वाला है अम्बाला कैंट में। अच्छा, ये है इस ट्रेन का फर्स्ट क्लास, कुछ ऐसा दिखता है फर्स्ट क्लास ट्रेन का। ICF ट्रेन है तो फर्स्ट क्लास जो है ना वो थोड़ा सा अच्छा ज़रूर से लगता है, क्योंकि मैंने देखा है कि जो ICF कोचेस होते हैं उनके फर्स्ट क्लास में ना वो रॉयल्टी ज़्यादा फील होती है, मतलब पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मुझे। तो क्या शानदार पेंटिंग्स जो है वो लगे हुए हैं लाइट्स के साथ। नॉर्मली राजधानियों में देखा है मैंने ये सब चीज़ नहीं होती है, बहुत ही कम राजधानियों में देखा है मैंने होती है, वरना होती भी नहीं है। बाकी बात करूँ वॉशरूम्स की ना, तो वॉशरूम्स बहुत ही क्लीन है। अब बहुत लोग लंच करते हुए डिनर करते हुए ब्लॉग देखते हो तो ऐसे वॉशरूम दिखाना अच्छा नहीं लगता, बाकी हाँ वॉशरूम बहुत ही अच्छे, ओवरऑल गाड़ी बहुत ही साफ सुथरी है। अमृतसर हरिद्वार, ये है जन शताब्दी की असली लिवरी। शताब्दी ट्रेन इसी लिवरी में अच्छी लगती है। समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो लिखा जा रहा है अभी इसमें। तो यहाँ पहुंचने का जो सही समय था वो था सुबह के 5:56 ऑलमोस्ट 6 बजे का, पर ट्रेन यहाँ पहुंची है 9:10 ऑलमोस्ट 3 घंटे की देरी से। छोले कुलचे वो ट्राई करने थे मुझे, बाकी इसके साथ ही पराठे जो ना वो भी ऑप्शंस में थे, तो मैंने पराठे जो है बोल लिए काफ़ी गर्मा गर्म है ये। और सच्ची बोलूँ तो ये दोनों चीज़ें जो है वो मेरी फेवरेट है, अच्छी लगती है, इसलिए मन को मना नहीं कर पाया। कुलची तो सही है पर छोले जो है ना वो जस्ट मतलब फॉर्मेलिटी के लिए हैं। तो मैं जो आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था कि आप यहाँ के छोले कुलचे जो है ना स्टेशन के ट्राई मत करना, क्योंकि अच्छे नहीं होते। अम्बाला के तो बिल्कुल अच्छे नहीं थे, और लुधियाना के भी
उतने अच्छे नहीं है। और सामने खड़ी है अमृतसर बन मनखी जंक्शन जन सेवा एक्सप्रेस। और अगर बात करूँ मैं लुधियाना की ना, तो लुधियाना एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकल जाती है धुरी की तरफ, एक लाइन यहाँ से निकल जाती है फिरोजपुर कैंट की तरफ, और एक लाइन जिधर हम जाने वाले हैं यानी कि पठानकोट जम्मू की तरफ। तो ये सारी लाइनें जो है वो यहाँ के मिलती है, और इसीलिए लुधियाना एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। कटरा वंदे भारत भी, और जाहिर तौर पे इसका डिपार्चर जो है हमारी ट्रेन से पहले ही होने वाला है। हमारी ट्रेन का डिपार्चर पहले हो गया इससे। चलो नहीं, डिपार्चर नहीं हुआ, जस्ट रुक गई ट्रेन वापस फिर से। चलिए जी, वंदे भारत का हो चुका है डिपार्चर, और हमारी ट्रेन अभी कुछ देर और यहाँ पे रुकने वाली है। चलो भाई, आ सकते हो ना वीडियो में? हाँ, कोई बात नहीं। अच्छा लगता है जब लोग मिलते हो। आपका नाम? मेरा नाम मनप्रीत। आपका नाम? अवतार सिंह। तो ये लोग मिल गए मुझे यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा लगा जब आप लोग ऐसे रैंडमली आके मिलते हो ना, बोलते हो आपके वीडियोस देखता हूँ, तो वाकई बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। अभी आप लोग कहाँ जा रहे हो? अभी हम वैष्णो देवी। इसी ट्रेन से? इसके बाद ट्रेन है जो वहाँ। कौन सी? स्वराज एक्सप्रेस। स्वराज। अच्छा, उदयपुर वाली भी एक आ रही है अभी तो। चलो अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और ये देखिए गाजीपुर SVDK एक्सप्रेस जो है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। उसको पता है कि कुछ भी कर लो जम्मू तक जाने के बाद से आपको मेरी ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए ये भी हमारे पीछे पीछे आ रही है। चलो फाइनली अपना डिपार्चर जो है वो लुधियाना से हो चुका है, और देखते हैं कि जम्मू से हम इस ट्रेन में ऑन बोर्ड हो पाते हैं या नहीं। और सामने से आ रही है अमृतसर मुंबई पश्चिम एक्सप्रेस। काफी अच्छा लग रहा है वो देख करके। और जैसे ही सतलज रिवर जो है वो क्रॉस हुई, मैं आ गया तुरंत तत्काल टिकट करने के लिए, और चलती ट्रेन में तत्काल टिकट जो फाइनली बुक हो गया, तो अच्छा लग रहा है। बाकी चलो अब हमारी ट्रेन ना सीधा रुके, अभी तो फगवाड़ा के स्टेशन आने वाले, लेकिन वो सब मैं लूँगा नहीं, सीधा मैं आपको जो मेन स्टेशन से वो दिखाऊँगा। तो सुबह 7:05 पे यहाँ पे ऑफिशियल अराइवल टाइम था, लेकिन ट्रेन अराउंड 3.5 घंटे यहाँ लेट पहुँची है। 10:30 का वक्त हो रहा है अभी, बाकी इस वक्त तक हमें जम्मू में होना चाहिए था, पर ट्रेन अराउंड 3.5 घंटे ले चल रही है। अच्छा बात करूँ अगर जलंधर की ना, तो जलंधर कैंट जंक्शन जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकल जाती है होशियारपुर तरफ, और एक लाइन और है जो कि नाकोदर जंक्शन तरफ निकलती है। बाकी बात करें जलंधर की ना, तो जलंधर अपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के लिए बहुत ही फेमस है। मतलब यहाँ पर इतने सारे स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स बनते हैं जो कि बल्कि देश के बाहर भी एक्सपोर्ट होते हैं, एशियन गेम्स में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स, ओलंपिक्स में होने वाले इक्विपमेंट्स। और साथ ही साथ मैंने सुना कि जो बैट्स होते हैं ना, क्रिकेट बैट्स होते हैं, वो भी यहाँ पे बड़ी अच्छी मात्रा में बनाए जाते हैं। कश्मीर विलो हो गया, इंग्लिश विलो हो गया, इन सभी के बैट्स जो हैं वो यहाँ बनाए जाते हैं। तो हाँ, जलंधर जो है वो इसलिए भी काफ़ी फेमस है। तो दोपहर के ना 12 बजने वाले हैं, और अभी हमारी ट्रेन जम्मू तवी से काफ़ी दूर है, पठानकोट से काफ़ी दूर है अभी तो ऐसा लग रहा है कि जम्मू तवी पहुँचते ना 2:30 तो आराम से बजने वाले हैं। और अगर ऐसा हुआ तो जो मेरी नेक्स्ट ट्रेन है वो शाम को 6 बजे, और फिर जम्मू तवी से कटरा जाने में आपको 2 घंटे और लग जाते हैं, तो 4:30 तक मैं कटरा पहुंचूंगा, और फिर 6 बजे जो है अपनी नेक्स्ट ट्रेन होने वाली है। तो सारा प्लान जो है कि चौपट ना हो जाए वो देखना पड़ेगा मुझे। बाकी अब यहाँ से तो ट्रेन को लेट नहीं होनी चाहिए, जितना लेट हुई है अभी तक हुई है, अब इसके बाद से आई गेस इसको लेट नहीं होना चाहिए। तो पठानकोट तो पहुँचने वाले हैं, और पठानकोट के पहले ये खूबसूरत सा कर्व जो है वो आता है
चक्की खाज। तो सुबह 8:45 पर पहुंचने वाली गाड़ी पहुंच रही है दोपहर के 12:30। तो आज के दिन अगर मैं पंक्चुअलिटी की बात करूंगा तो भाई वो तो रेटिंग बहुत ही ख़राब मिलने वाली है, लेकिन नॉर्मल डे में ट्रेन जो है वो बिल्कुल अपने निर्धारित समय पहुंचती है। सर आपका नाम क्या है सर? अंकुश। अंकुश, तो सर हमें यहाँ मिल गए और अचानक से पहचान लिया उन्होंने, काफ़ी अच्छा लगता है जब कोई इसे पहचानता है तो आपको जर्नी के दौरान। थैंक यू सो मच सर। आप कहाँ जा रहे हो? मैं सर अभी जम्मू से आया ही हूँ। जम्मू से आया हो? आया। अच्छा, तो यहीं के रहने वाले हो? हाँ, मैं बेसिकली पंजाब का ही हूँ, पठानकोट का हूँ। मैं अभी वीडियोस देखता रहता हूँ राजधानी में, काफ़ी ट्रैवल वगैरह कर, जो ट्रैवल के बारे में बताते हैं, इट्स रियली रियली हेल्पफुल, रियली हेल्पफुल। उसमें क्या अच्छा लगता है आपको? आपका कंटेंट मेरे को बहुत अच्छा लगता है, जो आप बताते हो कि कैसे ट्रैवल करो, दिन की ट्रेन या अर्ली मॉर्निंग्स या लेट नाइट्स की। तो सर तो यहीं पठानकोट की है, तो आप थोड़ा बता सकते हो उसके बारे में? पठानकोट के आसपास काफी अच्छे हिल स्टेशन है, डलहौजी है, देन धर्मशाला, मकलोड़गंज, वेरी ब्यूटीफुल है, जम्मू के पास पत्नीटॉप आपको मिल जाएगा। तो ये है, मतलब यहाँ का क्लाइमेट भी थोड़ा सा ना डिफरेंट है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया। आप देखेंगे यहाँ पे अगर 5-6 दिन गर्मी पड़ेगी ना तो 7वें दिन बारिश का चांसेस है, प्रॉपर है। तो गर्मी का तो है, दिन तो है गर्मी के, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओवरऑल और पठानकोट का सबसे बेस्ट है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर प्लेस। चलो कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो सर से आपको मिल गई, बाकी ये जितने भी हिल स्टेशन है अगर आपको उसमें जाना हो ना तो आप यहाँ पे उतर करके वो जगह देख सकते हो। बाकी हाँ सर जो बात कर रहे थे कि बहुत ही सिक्योर जगह है, वो सिक्योर जगह इसलिए क्योंकि पठानकोट छावनी है, तो पूरा आर्मी एरिया है, तो यहाँ पे आपको जो ऐसी गतिविधियाँ होती है वो कम आपको देखने को मिलती है, इसलिए बहुत सिक्योर है। और हाँ, एक तरफ शिवालिक हिल्स जो है उससे घिरा हुआ, उसके बाद से ब्यास और चक्की रिवर जो है वो इसके चारों तरफ है, जिस कारण से यहाँ का टेम्परेचर जो है वो तो अच्छा रहता है, लेकिन फिलहाल गर्मी लग रही है मुझे। और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना वैसे वैसे ये जो गर्मी है वो थोड़ी कम होती जाएगी, जम्मू के बाद तो मौसम और भी अच्छा हो जाएगा। पानी देखो आप कितना साफ और कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसा इतनी गर्मी है ना मन कर रहा कूद जाओ इस पानी में। वाह, अच्छा एक चीज़ मैंने देखी कि जितने भी नदियाँ हैं ना इस रूट पे वो मॉनसून में तो अपने उफान पे होती हैं, लेकिन इस वक्त में ना ज़्यादातर नदियों का पानी जो है बिल्कुल सूख चुका था और सब कुछ ब्राउन ब्राउन सा दिख रहा था। चलिए फाइनली अपना गंतव्य यानी कि जम्मू तवी रेलवे स्टेशन जो है बस हम पहुंच चुके हैं, और यहां पे मुझे बाद में समझ आया कि ये लोग इस ट्रेन में वापस रिटर्न जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और जनरल क्लास में बैठने के लिए मारामारी जो है वो शुरू होने वाली है, और ट्रेन के पहुंचते ही सिर्फ 2 घंटे के बाद वापस ये ट्रेन बनारस के लिए रवाना हो जाएगी। तो फाइनली अपनी ये 1230 किलोमीटर की जर्नी तो यहाँ पे ख़त्म होती है, लेकिन हाँ अब यहाँ से मुझे आगे जाना है कटरा की तरफ, लेकिन ये ट्रेन सिर्फ जम्मू तवी तक ही आती है, और इसके बाद से जिन यात्रियों को जम्मू जाना होगा वो या तो बस से जाएंगे या तो कैब से जाएंगे या फिर मेरी तरह किसी और ट्रेन का वेट करेंगे जो कि कटरा तक जाती है। फिलहाल जिस ट्रेन को हम ट्रॉल करते आ रहे थे, जिस ट्रेन के हम आगे आगे आ रहे थे, अब उसी ट्रेन में वापस सफ़र करने का समय हो चुका है। गाजीपुर श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस जो है वो आ रही है, तो बस उसी में बैठूंगा और उसके बाद से मैं जाऊंगा कटरा, क्योंकि कटरा से मेरी नेक्स्ट जर्नी जो है वो शुरू होने वाली है। कटरा तक जाने के लिए भी कितनी मारामारी है यहाँ पे। बाकी आप लोग इन्जॉय करिए इस रूट को और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और मेरी जो नेक्स्ट जर्नी है वो होने वाली है कटरा से कालका के बीच में,
तो वो जर्नी मैं आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद से कालका के बाद जो जर्नी है वो अनप्लान्ड है, मैं आपको बताऊँ क्या होगा। लेकिन फिलहाल आप इन्जॉय करिए इस जर्नी को, मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।